हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी तक मैं अष्टक वर्ग के 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था। ये बताया था भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, सर्वाष्टक वर्ग क्या होता है, प्रस्तारक वर्ग क्या होता है, और फिर एक वीडियो में मैंने सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग आपको निकालना बताया था लाइव। अब सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग मैंने आपके सामने यहीं पर निकाला था, इसी तरीके से अब हम देखेंगे सर्वाष्टक वर्ग। तो सर्वाष्टक वर्ग ओवरऑल कुंडली पर हम अप्लाई करते हैं। सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग काम आएगा सूर्य का ट्रांजिट देखने के लिए, चंद्रमा का सर्वाष्टक वर्ग काम आएगा चंद्रमा का ट्रांजिट देखने के लिए। तो किसी भी प्लेनेट का सर्वाष्टक भिन्नाष्टक वर्ग काम आता है उस प्लेनेट के ट्रांजिट को देखने के लिए। मगर अब जो हम बनाएंगे सर्वाष्टक वर्ग, जिसे हम सभी प्लैनेट्स के ओवरऑल कुंडली पर ट्रांजिट देखने के लिए यूज कर सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग बनाने के 2 तरीके हैं, इसको सामुदायिक अष्टक वर्ग भी बोलते हैं। सामुदायिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो 8 वर्ग है उन सभी के भिन्नाष्टक वर्ग को मिलाकर भी इसे बनाया जा सकता है। तो मैं उसे बनाना नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट सर्वाष्टक वर्ग बनाना बताऊंगा। दोनों तरीके से रिजल्ट वही आएगा, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि भिन्नाष्टक वर्ग से सर्वाष्टक वर्ग हम किस तरीके से बनाते हैं। तो आपको क्या यूज करना है, सभी 7 प्लेनेट और 8वीं लग्न का भिन्नाष्टक वर्ग बनाएंगे। तो वो लग्न के अंदर कितने बिंदु देते हैं ये हम देखेंगे, किस भाव के अंदर कितने बिंदु देते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में ये आपको भिन्नाष्टक वर्ग बनाना बताया था सन का। तो हमने देखा कि सन भिन्नाष्टक वर्ग में एरी साइन के अंदर 4 पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, तो सन ने एरी साइन में 4 पॉइंट प्रोवाइड किए। ऐसे ही मैं मून का भिन्नाष्टक वर्ग बनाऊंगा, वो भी कुछ ना कुछ पॉइंट यहां पर प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही मैं मार्स का बनाऊंगा। सभी 7 प्लैनेट्स का लेना है, लग्न का नहीं लेना सर्वाष्टक वर्ग बनाने के लिए। सभी 7 प्लैनेट जो भी यहां पर कंट्रीब्यूट पॉइंट कर रहे हैं वो सभी पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे, हम सभी पॉइंट्स को ऐड करेंगे, तो वो पॉइंट एक्चुअली 1 साइन में सर्वाष्टक वर्ग के अंदर आएंगे। इसी तरीके से हम 2 साइन में जो सभी 7 प्लेनेट जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सभी का सम जो आएगा वो 2 साइन के अंदर सर्वाष्टक वर्ग के अंदर पॉइंट आएंगे। सर्वाष्टक वर्ग में टोटल पॉइंट किसी भी भाव में 56 आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो सभी 12 भावों के अंदर सर्वाष्टक वर्ग के अंदर 56 शुभ बिंदु होते हैं एक्चुअली, टोटल मैक्सिमम। अब 56 से कुछ कम है तो उतने शुभ बिंदु होंगे, बाकी अशुभ बिंदु होंगे। दोनों बिंदुओं का सम 56 होता है। जैसे कि अष्टक वर्ग जो हमने भिन्नाष्टक वर्ग निकाला था उसमें किसी भी भाव में टोटल बिंदुओं का सम 8 होता है, तो 8 में से कितने जो बिंदु यहां पर आ रहे हैं वो शुभ है, और जो यहां पर इनमें से 8 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे उतने अशुभ होंगे। जैसे यहां पे 4 है तो 4 शुभ हो गए, यहां पे 4 अशुभ होंगे, 5 शुभ है तो 3 अशुभ होंगे। अशुभ को हम बताते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है, केवल शुभ बिंदुओं की बात करते हैं बस। अब सर्वाष्टक वर्ग मैंने आपको बताना समझाया कि हम सभी 7 ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग में 1 साइन में जो जो पॉइंट मिल रहे हैं उन्हें ऐड करेंगे और वो कुंडली के 1 साइन में प्लेस कर देंगे, वो सर्वाष्टक वर्ग के 1 साइन के पॉइंट्स आ जाएंगे। ऐसे ही हम 2 साइन, 3 साइन, 4 साइन और सभी साइनों के पॉइंट्स को ऐड करके, सभी 7 ग्रहों के पॉइंट्स को ऐड करके उन राशियों में रखने पर जो बनेगा उसे हम सर्वाष्टक वर्ग बोलेंगे यूजिंग भिन्नाष्टक वर्ग। अब वो जिन लोगों ने एग्जाम देनी है इस तरीके से नहीं आता, आपको भिन्नाष्टक वर्ग बनाना आना चाहिए और इसका वैसे भी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मैं जो डायरेक्ट बता रहा हूं वो आप सीख लें, मैंने पर आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से बनाना है। अब ये डायरेक्ट सर्वाष्टक वर्ग हम किस तरीके से बनाएंगे, इसका प्रस्तारक वर्ग भी बनाएंगे। प्रस्तारक वर्ग में मतलब टोटल डिटेल जहां अवेलेबल होती है, कहां पे पॉइंट मिला कहां पे पॉइंट नहीं मिला, उसे हम प्रस्तारक वर्ग बोलते हैं, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसे हम सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे भिन्नाष्टक वर्ग बनाया था वैसे ही मैंने ये एक कॉलम लिखा है वर्टिकल, इसके अंदर सभी 7 ग्रह और लग्न को लिख दिया है। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सन मून मार्स लिख सकते हो, या मैंने इनको सैटर्न जुपिटर मार्स सन वीनस मरकरी मून और लग्न लिखा है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि ये ऐसा क्यों लिखा है, आप चाहो तो इसे सन मून मार्स करके भी लिख सकते हो। ये मैंने लिखा है अर्थ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है उसको पहले लिखा है,
फिर घटते क्रम में रिड्यूसिंग ऑर्डर में डिस्टेंसेस के ऑर्डर में इन्हें लिख दिया है। लग्न को आप अर्थ मान लीजिए, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ ये प्लैनेट जाते जाएंगे। या फास्ट मूविंग प्लैनेट सबसे पहले लिखा है, उससे स्लो यहाँ पे, और सबसे स्लो मूविंग को ऊपर लिखा है। आप जैसे मर्जी मान सकते हो। यहाँ पर जो ये इस पर्टिकुलर रो में जो रखी हुई है ये राशियां हैं, ध्यान रखना है, ये भाव नहीं है। कई स्टूडेंट गलती करते हैं, ये राशियां है, एरीज है, ये टॉरस है, ये आपका मिथुन है, इस तरीके से ये कैंसर है, और ये राशियां हैं। यहाँ पर जो ये टेबल दी हुई है ये बेनिफिक पॉइंट्स की टेबल दी हुई है। ये टेबल आपको अवेलेबल होगी, बुक्स में अवेलेबल होती है, जो एग्जाम देंगे उसे मिलेगी। सन अपनी पोजीशन से फर्स्ट भाव में 3 पॉइंट देता है, इसका मतलब ये है सन खुद की पोजीशन से पहले भाव में फर्स्ट भाव में 3 पॉइंट, दूसरे भाव में 3 पॉइंट देता है, तीसरे में 3 पॉइंट देता है, ऐसे हम इसे रीड करेंगे। इसी तरीके से सपोज मुझे वीनस देखना हो तो वीनस अपनी पोजीशन से फर्स्ट भाव में जिस भी जगह वो बैठा है 2 पॉइंट देगा, अगले भाव में 3 पॉइंट देगा, उससे अगले में 3 पॉइंट देगा। तो इस तरीके से सर्वाष्टक वर्ग की टेबल फिक्स है, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये टेबल सभी अष्टक वर्ग की बुक्स में मिल जाएगी, यदि आप कहीं लॉगिन करोगे इंटरनेट पर वहां पर भी मिल जाएगी। और किसी को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप पर एसएमएस करे, मैं उसे व्हाट्सएप पर सभी भिन्नाष्टक वर्ग की टेबल और ये दे दूंगा। पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं उन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में ये टेबल प्रोवाइड की जाती है, सो यू नीड नॉट टू लर्न इट। चलो अब आ जाते हैं हम किस तरीके से बनाएंगे। ये टेबल आपके पास अवेलेबल होगी। अब सबसे पहले हमें तो चाहिए ये टेबल हमें खुद मैन्युफैक्चर मैन्युअली कास्ट करनी है, खुद बना लेनी है, जैसे मैंने समझाया उस तरीके से बनाएंगे। यहां पर ये नेटिव की कुंडली है, तो पहला स्टेप क्या होगा, जो नेटिव की कुंडली है उसको हम यूज करेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि आपका कौन सा प्लैनेट किस राशि में, उसके आगे हम डॉट लगा देंगे। जैसे सैटर्न 4 साइन में, तो 4 के आगे आप डॉट लगा दीजिए, ये सैटर्न की पोजीशन को बता रहा है। जुपिटर 2 साइन में, तो जुपिटर 2 के आगे डॉट लगा दीजिए, पता चल गया है जुपिटर की पोजीशन है, यहीं से हम देखेंगे। अब इसी तरीके से आपका मार्स 5 साइन में, तो हमने मार्स को 5 साइन के आगे डॉट लगा दिया, इससे पता चल गया, बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि भाई मार्स इस जगह पर है। फिर हमने क्या किया, सन और मरकरी 8 साइन में, तो 8 साइन में सन को लिखा, मरकरी को भी 8 साइन के डॉट लगा दिया, ये पता चल गया कि भाई ये इस राशि में है। फिर वीनस 9 साइन में, तो वीनस को 9 साइन में मैंने डॉट लगा दिया। और मून 10 साइन में, राहु केतु को देखना नहीं होता, तो मून 10 साइन में डॉट लगा दिया। अब ये जो डॉट है ये इन प्लैनेट्स की मेटल पोजीशन बता रहे हैं कि कुंडली में इनकी कौन सी पोजीशन है। अब मैं भिन्नाष्टक वर्ग आपके सामने देखिए कास्ट करूंगा, तो भिन्नाष्टक वर्ग कास्ट करने के लिए सबसे पहले देखूंगा मैं सैटर्न। तो सैटर्न क्या करता है, देखिए सैटर्न पॉइंट देता है जिस पोजीशन में, फर्स्ट भाव में 3, अगले में 2, फिर 4 एंड फिर 4। तो मुझे कैसे शुरू करना है, देखिए सैटर्न जहां पे बैठा है वहां मैंने 3 दे दिए, उससे अगले में, अभी मैं इसी ऑर्डर में लिखता जाऊंगा लगातार 2 4 4 4। तो आप याद भी कर सकते हो ऐसे जल्दी जल्दी लिखने के लिए 2 4 4 4। तो 5वें भाव तक पहुंच गए हम सैटर्न से, फिर 3 3 4 4 4, फिर लिखा मैंने 3 3 4 4। अब यहां खत्म हो गया, तो यहां आ जाइए 4 3 3 4 4 4, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं 6 1, इसलिए केयरफुली करें काम। तो ये मैंने सैटर्न का, देखिए इसको प्रस्तारक वर्ग बोलते हैं, डिटेल हर एक राशि को कितने पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है ये पता चल गया। अब आ जाता हूं मैं जुपिटर पर, जुपिटर का प्लेस करूंगा, तो यहां पर जुपिटर देखिए वो जिस भाव में पॉसिबल है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब वो जिस भी भाव में खुद है राशि में वहां पे 2 1 1 2, तो जुपिटर कहां पे है, ये यहां पे है, तो इस भाव में वो 2 देगा, 2 1 1 2 लिख दिया मैंने, 4 लिखे 2 1 1 2, इसके बाद 3 4 2 4 3 4 2 4, उतने ही याद करें जितने आपको याद रखेंगे, 3 4 2 4 लिखा, 2 4 7 4 2 4 7 यहां पे आ गया और खत्म हो गया, तो 4 यहां पे आ जाएंगे। ये नहीं है कहीं यहां पे, ये टोटल के लिए बना रखा है मैंने, ध्यान रखना। इसके बाद आ जाता हूं मैं मार्स का, आपके सामने कर रहा हूं ये मैं सारा, समझ में आ जाए तो आप छोड़ के चले जाना कोई बात नहीं। 5 साइन में, ये 5 साइन में, तो वहां पे ये देखा 4 4 5 3 4, तो यहां से शुरू करेंगे 4 5 3 4, और एज इट इज प्लेस कर दीजिए 3 3 4 4, 3 बार 4 है 3 3 4 4, फिर 8 4 यहां पे आ जाएगा, तो मार्क्स का 3 3 4 4 4 6 7 2। और इसको केयरफुली करें, अभी गलती होगी तो पकड़ने में दिक्कत आएगी। फिर सन का देख लेते हैं हम, तो सन का है फर्स्ट 4 टाइम 3 3 3 3, तो सन यहां से शुरू होगा
थ्री 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 थ्री, इसके बाद टू थ्री फोर फाइव, टू थ्री फोर फाइव, थ्री फाइव सेवन टू, थ्री फाइव सेवन टू, ये सन का हो गया। फिर मैं वीनस का देख लेता हूं, तो टू थ्री टाइम थ्री, तो वीनस यहां से शुरू होगा, टू थ्री थ्री टाइम थ्री, फोर फोर टू थ्री, फोर फोर टू थ्री, फोर थ्री सिक्स थ्री, फोर थ्री सिक्स थ्री। तो देखिए वीनस का हमने बना दिया। वीनस के बाद हम मरकरी पर आ जाते हैं, मरकरी का है थ्री वन फाइव टू, तो मरकरी यहां से शुरू होगा, तो मैंने लिख दिया थ्री वन फाइव टू। फिर देखते हैं हम सिक्स सिक्स वन टू, तो सिक्स सिक्स वन टू, चार चार के पेयर में याद रखोगे तो गलती नहीं होगी, सिक्स सिक्स वन टू हो गया। फाइव फाइव सेवन थ्री, तो इसको लिख दिया मैंने फाइव फाइव सेवन थ्री। इसके बाद अब मैं मून का आ जाता हूं, तो मून यहाँ पे रहा, इसको टू थ्री फाइव टू, तो मून यहां से शुरू हो रहा है, टू थ्री फाइव टू, टू फाइव टू टू, टू फाइव टू टू, टू थ्री बार टू है, थ्री सेवन वन। अब आ जाते हैं हम लग्न में, तो लग्न का है फाइव थ्री फाइव फाइव, तो लग्न को मैं मार करना भूल गया, फोर साइन में लग्न है, फोर साइन मार कर लिया हमने, तो फाइव थ्री फाइव फाइव, फाइव थ्री फाइव फाइव, टू सिक्स वन टू, टू सिक्स वन टू, टू सिक्स सेवन वन, टू सिक्स सेवन वन, ये सब मार कर दिए। अब आप इन्हें ऑरिजेंटल भी ऐड करोगे, वर्टिकल भी ऐड करोगे, तो मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूं, इलेवन थ्री फोर्टीन, टू सिक्सटीन और एट ट्वेंटी फोर, थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी एट एंड एट फोर्टी सिक्स। तो आप देख लीजिए सेटन के यहाँ पे टोटल पॉइंट फोर्टी सिक्स है, क्या फोर्टी टू है, तो गलत कर दिया है, टेन इलेवन थ्री फोर्टीन टू सिक्सटीन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट थर्टी वन थर्टी फोर थर्टी एट एंड फोर फोर्टी टू है। ठीक है, देखिए सम गलत किया, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, वेरीफाई ऐसे करना है कि सेटन के पॉइंट इतने आने चाहिए, मैं इसीलिए आपके सामने यहाँ पे करके बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं करके रख लेता इसको। सिक्स सेवन एट टू टेन थ्री थर्टीन फोर सेवनटीन टू नाइनटीन एंड फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव एंड फोर ट्वेंटी नाइन एंड सेवन थर्टी सिक्स। तो जुपिटर का थर्टी सिक्स है क्या? यस थर्टी सिक्स है। अब बाकी मैं कर नहीं रहा हूं, इस तरीके से आप ऐड कर लोगे तो वही आने चाहिए। मार्स के यहाँ पे ऐड करने पे कितने आने चाहिए? मार्स के जो भी आ रहे हैं आपके वो 49 आने चाहिए। इसी तरीके से सन के जो होंगे वो सन के आपके यहाँ पे 36 आने चाहिए ऐड करने पर। सन के बाद अब वीनस पे जाओगे तो वीनस के ऐड करने पे 40 आने चाहिए। मरकरी आएगा तो मरकरी के ऐड करने पे 46 आने चाहिए। नहीं है तो इसका मतलब आपने उसमें गलती कर दी, आपको पता चल जाएगा इंडिविजुअली किसमें गलती है। मून के यहां पर आने चाहिए 36 और लगने के आने चाहिए 45, इन सब का सम 337 हो जाएगा। अब राशियों में ऐड करेंगे, वो यहां पे ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, राशियों में पहले ऐड कर लीजिएगा क्योंकि वो हमें इसका सर्वाष्टक वर्ग तभी बनेगा। अब मैं इन्हें ऐड कर रहा हूं, 12 3 15 और 4 19 6 25 और 8 33, 6 2 8 6 14 एंड 8 22 एंड 3 25 एंड 7 32, 2 7 9 5 14 और 14 और 9 इट इज 24, 24 5 5 10 19 23 25 27 5 2 7 and 7 14 and 3 17 and 7 24 and 5 29 and 3 32 36 5 3 8 3 11 6 17 to 19 3 22 and 8 30 9 3 12 and 3 15 3 18 4 22 and 2 24 28 25
7, 6, 13 and 5, 18 and 4, 22 and 11, 33, ये सब मैंने ऐड कर लिए। इन सभी का सम इसके इक्वल आ जाना चाहिए, 337 ही होता है हमेशा सम। यदि 337 सब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी गलती होगी। अब आप इसे चेक कर लेना है, यदि कुछ गलत इसमें कैलकुलेशन हो जाती है तो आप उसे करेक्ट खुद कर लेना, ये नहीं कि आप उसमें बाद में, क्योंकि मेरे पास कई बार SMS आ जाते हैं, मैं यहाँ आपके सामने कर रहा हूँ, टाइम भी नहीं ले सकता मैं और इसको फिर से वेरीफाई भी नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव मेरा समझाना है तो आपको वो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने यहाँ पे पॉइंट निकाल लिए, अब इस कुंडली के अंदर ये मैं सर्वाष्टक वर्ग बना रहा हूं इसका। तो जिस भी राशि में जितने पॉइंट आए हैं उसे रख दो यहाँ पे, जैसे वन राशि में 33 पॉइंट आए हैं तो 33 मैं यहाँ पे रख दूंगा, टू राशि में 32 पॉइंट आए हैं वो यहाँ पे रख दूंगा, थ्री राशि में 24 आए, फोर में 24 आए, फाइव में 27 है, सिक्स में 36 है, सेवन में 30 है, एट में 28 है, राशि की बात हो रही है ध्यान रखना, नाइन राशि में 23 है, टेन राशि में 22 है, 11 राशि में 25 है और 12 राशि में 33 है। कहीं एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गए होंगे, कोई बात नहीं है उससे, क्योंकि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो एक्सप्लेन करना है। अब देखिए ये जो बना है इसे हम बोलते हैं सर्वाष्टक वर्ग, ये जो है जिसमें डिटेल है इसको बोलते हैं प्रस्तारक वर्ग। हर एक भिन्नाष्टक वर्ग में भी प्रस्तारक वर्ग बनता है। अब ये सर्वाष्टक वर्ग में क्या होता है, इसके रूल मैंने प्रीवियसली आपको बताए थे कि किसी भी राशि के अंदर या भाव के अंदर सर्वाष्टक वर्ग में एक्चुअली टोटल 56 पॉइंट होते हैं एक भाव में, शुभ और अशुभ मतलब बेनिफिक और मेलिफिक दोनों मिलकर 56 होते हैं। अब जैसे जिस भाव में यहां पर 24 बेनिफिक बिंदु ही दिखाते हैं, मेलिफिक को नहीं दिखाते, तो 24 बेनिफिक है इसका मतलब यहां पर मेलिफिक होंगे 56 - 24, 32। तो मेलिफिक ज्यादा हो गए, तो जिन भावों में मेलिफिक ज्यादा होते हैं उनके हमें फल अच्छे नहीं मिलते, वो कमजोर हो जाते हैं भाव, ऐसा मानकर चले अष्टक वर्ग के केस में। और जिनमें 28 हैं उनमें एवरेज रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मेलिफिक और बेनिफिक दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। मगर 28 से ज्यादा बिंदु हो जाएं, ये शुभ या बेनिफिक बिंदु लिखते हैं, मेलिफिक नहीं लिखते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जामों में आपसे भी आ सकता है कि आप मेलिफिक बिंदु लिखे तो इस तरीके से जो निकाला है आपने उसको 56 में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो आएगा उसे मेलिफिक बिंदु कहेंगे, कि यहाँ पे मुझे मेलिफिक बिंदु लिखने होते तो 32 लिखता, यहाँ पे लिखने होते तो 29 लिखता। मगर आपको जो कहीं पे भी मोबाइल ऐप में या कहीं पे भी मिलेंगे वो बेनिफिक बिंदु मिलेंगे, तो आपको ये अपना आप समझ में आ जाना चाहिए कि बेनिफिक बिंदु है, मेलिफिक भी हो सकते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, आपको जहां पे भी 28 से कम है बेनिफिक बिंदु, इसका मतलब उन जगहों पर मेलिफिक बिंदु ज्यादा है, इसलिए वो कमजोर हो जाते हैं भाव। तो ये चीजें आपको वैसे नहीं पता चलेंगी जब तक आप इसको डिटेल में नहीं करेंगे। अब जहां पर ये 30 या 30 से ज्यादा है तो ये भाव स्ट्रोंग हो गया, 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 मगर ये भाव कमजोर हो गया, ये भाव कमजोर हो गया, ये सेवंथ हाउस कमजोर हो गया, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी, सिक्स हाउस कमजोर है, डिजीज होगी, एट्थ हाउस कमजोर है, ट्वेल्थ हाउस कमजोर है, और ये हाउसेस इसके स्ट्रोंग है, कर्म भाव स्ट्रोंग है, भाग्य भाव स्ट्रोंग है, लाभ भाव स्ट्रोंग है। तो इस तरीके से हम इसे देखेंगे। तो सर्वाष्टक वर्ग को इस तरीके से देखा जाता है कि सर्वाष्टक वर्ग में जिस भाव के अंदर ज्यादा बिंदु होते हैं उसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, और इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो होपफुली आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कमिंग क्लासेस में मैं इससे रिलेटेड शोध पिंड वगैरह निकालना बताऊंगा आपको, एकाधिपति शोधन, प्राइमरी रिडक्शन, सेकेंडरी रिडक्शन बताऊंगा, शोध पिंड वगैरह निकलवाना बताऊंगा, उसके बाद में इसके फर्दर थ्योरी बताऊंगा कि हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। हालांकि मैं साथ साथ में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद।